Wisdom. उसके बाद ये करीबन 5-5:30 बजे IW साहब फोन हमको किए थे कि जाके देखो कि उसका घर जो है खुला हुआ है। तो ये घर खुला हुआ है तो ये निकलता क्यों नहीं है। उसके बाद हम निकल के जब बाहर का वो बाहर से, लेकिन ये लॉक था, सिर्फ कुंडी जो है इसका लॉक था। उसके बाद जब हम कुंडी खोले तो देखते हैं वो फर्श पे जिस तरह भी देख रहे हैं वो पूरा फुल्ली लेटे हुए थे, उसी तरह थे। फिर हमने IW साहब को बताया वो उस टाइप से लेटे हुए हैं। आप एक काम कीजिए, अपने स्टाफ को भेजिए, वो जाके अंदर में देखेगा कि इनके साथ क्या हुआ है। वो ऐसे सोए हुए हैं या उनको कुछ हो गया है या बेहोश है या मौत हो गया है, वो जाके आप देखिए। एक स्टाफ आए, उसके बाद वो अंदर गए, अंदर नहीं जाके वो भी बाहर से सीन देख के वो फिर दूसरे स्टाफ को बुलाने गए, फिर वो आए तीसरा में हमको बुलाए, बगल से हमारे आदमी आए। उसके बाद हम लोग जब चारों जाके जब देखते हैं तो वो इस अवस्था में पड़े हुए हैं, उनका पूरा मुंह में ब्लड है और वो पूरा नेकेड सोए हुए हैं। लास्ट में जब एम्बुलेंस आया पता चला, तब लगा कि इनका मर्डर हुआ है। पुलिस लेके गया? हाँ, पुलिस लेके चला गया है, सारे डिपार्टमेंट के स्टाफ लोग आए। कहाँ का आदमी था ये आदमी? मतलब माने ये आदमी जो डेथ हुआ है ये NF रेलवे ओल्ड मालदा में ये नौकरी करते थे और इनका मात्र 4 दिन ही और सर्विस बचा हुआ था। घर कहाँ का था? इनका घर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। हमारे स्टाफ उन्हें बोला है इन्हें 31 तारीख रिटायर करते ना। अच्छा, ठीक है। तो खबर पवार साथे साथे आसलाम, हमें ढुकेछि मोटामुटी धरुन एखाने 7:45 एसे तो ये अवस्था देखछि। कि देखलेन? দেখলাম যে রক্তাক্ত অবস্থায় ন্যাংট হয়ে পড়ে আছে লোকটা। কি নাম যিনি মারা গেছেন? ওর নাম হচ্ছে হনুমান রায়। কি কোথাকার স্টাফ ছিল? ও ওলমালদার স্টাফ। কি কাজ করতেন ওলমালদার? ইনি মানে ফিল্টার ছিল নাকি? এফপিও ফিল্টার প্ল্যান্ট অপারেটর। কি মনে হচ্ছে দেখে যে মার্ডার করা হয়েছে? এটা তো এটা পুলিশ বলবে ভাই, এটা তো আমরা বলতে পারবো না। ঠিক আছে। ঘটনা যে আমরাও শুনতে পেয়েছি এই সন্ধ্যার দিকে, যে আমাদের এখানকার রেল কোয়ার্টারের একজন রেল কর্মচারী, তিনি NFL এ IW স্টাফ ছিলেন, নাম হচ্ছে হনুমান রায়। উনি ওনার মৃত্যুটা অস্বাভাবিক, ওনার দেখা গেছে মুখটু ফাটা আছে, গায়ে মারধরের দাগ টাগ আছে, তাছাড়া উনি উলঙ্গ অবস্থায় বাড়িতে ওরকম কোয়ার্টারে পড়েছিলেন। আশেপাশের লোকরা জানতে পাই, যখন পুলিশকেও খবর দেয়, পুলিশও আসে, আমরাও যাই, কে দেখি ওনার মৃত্যুটা অস্বাভাবিক। পুলিশ এখন বডিটা নিয়ে গেছে, ওর বাড়ির লোকরা কেউ নাই, ওদেরকেও খবর দেওয়া হয়েছে, ওরাও আসছে, কালকে পোস্টমর্টম হবে, দেখা যাক কী বেরোচ্ছে। তবে মৃত্যুটা অস্বাভাবিক, এটা বাস্তব জিনিস, মৃত্যুটা কিন্তু স্বাভাবিক নয়।